सबसे पहले सांसद अंशुल वर्मा जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं और जो सरकार जा रही है उसको और धक्का मार करके आप आए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। हालांकि आप पहले ही आना चाहते थे लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थितियां रहीं, आप नहीं आ पाए, लेकिन अब भी अच्छा लगा है कि कम से कम हम लोगों को एक नौजवान नेता पासी समाज में मिल गया है जो जगह जगह जा कर के जो सच्चाई है चौकीदार टीमों की वो बताएंगे। मैं इस मौके पर बधाई देता हूं इनके तमाम सहयोगी साथी जो शामिल हो रहे हैं और इस चुनाव में पूरी ईमानदारी से इनका सहयोग और मदद मिलेगी। मैंने पहले भी कहा था कि एक के अलावा भारतीय जनता पार्टी का और कहीं खाता नहीं खुलने वाला है। जनता नाराज है, दुखी है, परेशान है। असल मुद्दे या असली मुद्दे जमीन पर जो हैं, जनता उसी का इंतजार कर रही, उसी पर मतदान होगा। नौजवान ढूंढ रहा है कि आखिरकार नौकरी कैसे मिलेगी, रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे। किसान को जो सपने दिखाए गए थे कि कर्ज माफ हो जाएगा, आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन अभी भी वो सपने के सपने ही बने हुए हैं। जो पैसा थोड़ा बहुत मिला भी है किसानों को, किसान वो जानते हैं जो 5 किलो उनकी बोरी से चोरी हुई थी वही पैसा सरकार लौटाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार को जो कर्ज माफी के बाद किसानों की खुशहाली लाने का बात करनी थी वो नहीं हुई है। आलू अभी तक 1 किलो सरकार ने नहीं खरीदा है। कई फसलें आलू की किसानों ने ली हैं लेकिन अभी तक सरकार ने 1 किलो आलू भी नहीं खरीदा है। सरकार और मुख्यमंत्री जाकर के सभा में ये कहते हैं कि गन्ना किसानों का इतना भुगतान हुआ है, इतने हजार करोड़। किसान भुगतान नहीं जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का किसान अपना बकाया पैसा चाहता है जो सरकार अभी भी नहीं दे पा रही है। 14 दिन का वादा किया था लेकिन अभी भी गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाया है। और फिर जो महंगाई बढ़ी है, जो सरकार की नाकामी है, जो महिलाएं असुरक्षित हैं और घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। जो रिस्पांस सिस्टम था 100 डायल 100, उस डायल 100 को भी बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो अब चुनाव की तारीखें आ गई हैं, हमें उम्मीद है कि एक एक वोट गठबंधन पे पड़ेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने बहुत बड़े पैमाने पे निराश किया है। मैं एक बार फिर अंशुल वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और कंकर मुंजारे जी जो बालघाट से पहले भी MP रहे हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं वो इसलिए ज़रूरी थीं कि कम से कम लोग जान जाएं। और समाजवादियों ने अगर कभी वादा किया होगा तो उसको ज़मीन पे ला करके पूरा करने का काम भी किया है। इसीलिए कल मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस बात का अध्ययन कर रही है कि गरीब को हम क्या दें, गरीब को किस तरीके से समाजवादी योजनाओं से जोड़ें जो उसका सम्मान हो, वो सम्मान लौटे, खुशहाली उसके घर पर आए। उस अध्ययन कर करके बहुत जल्दी हम आपके बीच में आएंगे और आपके माध्यम से देश के सामने वो बात रखेंगे। वहीं जो अन्याय हो रहा है आदरणीय आजम खान साहब के साथ, इतना शायद अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जितना ये
भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उर्दू दरवाजा तोड़ दिया गया, यूनिवर्सिटी की दीवारें तोड़ी गईं, और न जाने क्या क्या इस सरकार ने किया है। कल लाइसेंस भी खारिज कर दिए। ये सरकार के इशारे पर, और मैं कहूंगा कि अगर आपका लाइसेंस कैंसिल किया है तो मुख्यमंत्री जी का भी लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। आप पर तो पॉलिटिकल मुकदमे हो सकते हैं। उनके पास लाइसेंस है नहीं? नहीं, लाइसेंस है। उन्होंने जो एफिडेविट दिया है चुनाव आयोग को जो चुनाव आयोग को दिया है उसमें कुछ उन पर लाइसेंस है। अगर चुनाव आयोग को कोई बात कही गई है तो मैं समझता हूं वो बात सच होगी। और अगर आपका लाइसेंस कैंसिल करने की कार्रवाई कर रहे हैं तो कम से कम जो जिलाधिकारी जहां हैं वो भी हिम्मत जुटाएं और मुख्यमंत्री जी के भी लाइसेंस कैंसिल करें। सरकार वही अच्छी होती है जो बिना भेदभाव के काम करे। अन्याय कहीं से भी हो सकता है लेकिन कम से कम सरकार को अन्याय नहीं करना चाहिए। और जब सरकार अन्याय करने लगे तो जनता को उस सरकार को हटा देना चाहिए। और यही मौका जनता को मिलने जा रहा है। ये परिणाम बताएगा कि सरकार के खिलाफ कितना मतदान हुआ है। अंशुल जी, सवाल है कि आप बीजेपी से जी पैसों की कोई डिमांड नहीं होती है, वहां पर सहयोग राशि होती है। 2014 में कितने दी थी आपने? आपने कितने सहयोग राशि दी थी? ये राशि वाली बातें मत करो भाई। ये ना कीजिए, ये ना कीजिए। ये देखिए पत्रकार साथियों, ऐसा है अब बात स्पेस तक चली गई इसलिए इसकी बात मत करिए आप। अखिलेश जी, बीजेपी ने 15 लाख रुपए का वादा किया था। मैंने हाँ जी, मैं इसरो और डीआरडीओ को बधाई देता हूँ जो मिसाइल उन्होंने इजाद की है उसके लिए भारत की सबसे प्रीमियर जो एजेंसीज हैं और जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं जिसमें जुड़े रहे होंगे, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। और हमें और आपको तो ऐसा लगा कि न जाने क्या बात टीवी से आएगी, लेकिन देखो चुनाव सर पर है, उस समय भी धोखा टीवी से दिया जा रहा है, टीवी से धोखा। और ये जो साइंटिफिक और स्ट्रेटजी और डिफेंस की जो रिसर्च है वो होती रहती हैं, हमेशा चलती हैं। 100 साल से हमसे चीन ने हमसे पहले ना जाने कब कर दिया। तो लड़ाई या जो जनता को मुद्दों से हटाने का काम कर, इसीलिए मैं कहता हूं समाजवादी लोग बेरोजगारी से, किसान की भलाई से और व्यापारी के सामने जो संकट हुआ उससे नहीं हटेंगे। अखिलेश जी, बीजेपी ने 15 लाख रुपए का वादा किया था, वो तो पूरा नहीं हुआ। अब राहुल जी ने जिस तरह से 72,000 रुपए पर ये की बात कही, बिना अध्ययन के हम नहीं कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने इससे ज्यादा करके दिखाया है। 3,05,000 का लोहिया आवास, समाजवादी पेंशन, लैपटॉप, कन्या विद्याधन, अगर योजनाओं को जोड़ करके कटौती कर करके कोई एक पैकेज बना करके दे दें तो बड़े पैमाने पे गरीबों की मदद की जा सकती है। ई रिक्शा दिया है, हालांकि आप जो ये मंच से मैं बोलूंगा, ये यहां पर बोलने की जगह नहीं है, लेकिन मैं मंच से जरूर बोलूंगा। जिन लोगों ने मंच से हमारे बारे में कुछ कहा था उनका जवाब मंच से ही होगा और जनता के बीच में होगा। देखिए इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, जो कलाकार हैं उनकी भी विचारधारा होती है, जो भारत के नागरिक हैं जो वोट करने जा रहे हैं उन सब की कोई ना कोई विचारधारा है, वो जुड़ सकते हैं। अब मान लीजिए हमसे राजपाल यादव मिलके चले गए, हमने उनसे कहा कि चंबल के डाकू और सुल्ताना डाकू पे ही फिल्म बना दो कोई,
साहब अभी तक आपको एक रानी से लड़ना पड़ रहा था, महारानी भी आपके सामने, कैसे लड़ेंगे? आप मुसलमान हैं? नहीं है? है तो आपके यहाँ तो काफी गुंजाइश है। अखिलेश जी, भाजपा कौन सी सीट है? अखिलेश जी भाजपा कौन सी? एएमयू के बच्चे और दो लोग हैं और एक वो गुल्लक वाले, एएमयू के तीन बच्चे और शामिल हैं। आप कह रहे भाजपा एक सीट केवल जीतेगी, वो सीट कौन सी है ये बता दीजिए। वो रिजल्ट के बाद पता लग जाएगी। अभी कंकन मुंजारी जी ने क्या कहा? वो उसी जगह से आए हैं मध्य प्रदेश से जहां पर कांग्रेस की सरकार चल रही है, जो वादे किए हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। और फिर आखिरकार गरीबी का दोषी कौन है? ये देश में जो इतनी गरीबी है, कल आप नहीं थे शायद प्रेस में, मैंने कहा आप थे, आप जानबूझ करके नहीं सुनना चाहते उन बातों को। मैंने कहा कि 30 और 35 और 40 साल में दुनिया के अरो हमारे पड़ोस में देश कहां पहुंच गए, दुनिया कहां से कहां चली गई, लेकिन हमारा देश देखो कहां पहुंच गया। अगर कोई जिम्मेदार है तो उसमें कांग्रेस भी जिम्मेदार है, गरीबी की, बेरोजगारी की और हमारे देश को पीछे करने में। और बीजेपी और कांग्रेस और कांग्रेस और बीजेपी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो एक अच्छे मंत्री हैं जो कम से कम सरकार में रहकर के सच बोल रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि अध्ययन कर करके उससे अच्छा गरीबों के लिए काम समाजवादी सरकार ने किया, आवास आसरा शहरों में दिया, ई रिक्शा दिया, लोही आवास 3,05,000 का दिया जिसमें सोलर पावर थी, इनर एलईडी बल्ब थे, पंखे चल सकते थे, लैपटॉप दिया, कन्या विद्यादान दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर ये बात है कि गरीब की मदद होनी है तो कम से कम उस गरीब की सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। अब शौचालय ही देख लीजिए कैसा दिया है शौचालय, कितनी बार मैं याद दिलाऊं आपको शौचालय के बारे में, आप खुद जानते हो उस बात को। तुमको महाकुंभ कह दिया भाई, जो शौचालय दे रहे हो बिना पानी का शौचालय कैसा दे रहे हो आप? इसमें नीति आयोग क्या कर रही है, सरकार के लोग क्या कर रहे हैं? कम से कम समाजवादी लोगों ने ये फैसला लिया है कि कोई ना कोई योजना ऐसी बने जिसमें तमाम गरीब की समस्या का समाधान हो सके। अच्छी बात है। किस अखबार के हो तुम भाई? अच्छा तुम्हारा जवाब है।